डैड, इतनी देर हो गई, आपको कहाँ रह गए थे? एक्चुअली ऑफिस से टाइम पे तो निकला था, रास्ते में मुझे राधा जी मिल गई थी। गॉड, कहीं कुछ पता ना चल गया हो। अरे कमल किशोर, वो दीपक बाबू के गोत्र के बारे में मालूम किया? गोत्र? हाँ, पूछा तो था। आप क्या क्या कहा राधा बुआ ने? हाँ बेटा, जल्दी से बता दे, मैं कल ही पंडित जी से कुंडली मिलवा देती हूँ संजना और दीपक बाबू की। जब मैंने राधा जी से गोत्र के बारे में पूछा था तो वो हिल गई थी। कमल किशोर, गोत्र से याद आया, प्रसून का फोन आया था, वो सुरेश जेल से बाहर आ गया है। क्या? कब? कल उसकी सजा पूरी होगी बेटा। उसने जो गुनाह किया था उसकी सजा कभी पूरी नहीं हो सकती। डैडी, किसके बारे में बात कर रहे हैं आप लोग? किसी के नहीं बेटे। गोपी जी, सर चाय कमरे में ले आओ। ठीक है सर जी। क्या हुआ दादी, डैड अचानक इतने टेंस क्यों हो गए? कौन आ गया है जेल से? गंदा खून था बेटी, जिसे तेरे दादाजी ने सहारा दिया, पाल पोस के बड़ा किया, पर उसी ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा और उस सदमे से तेरे दादाजी गुजर गए। मासी जी प्लीज, इस घर में उस आदमी की कोई बात नहीं होगी। दिल पे लेके देख रहे हैं सीरियल। अरे सुहाना, इतनी जल्दी आ गई तुम। वाओ, आप लोग मेरा सीरियल देख रहे हैं? ना, हम लोग देख रहे थे कि तुम्हारी सास क्या क्या कारनामे करती है। हाँ? मैंने क्या कर दिया? तुमने कुछ नहीं किया, लोग तुम्हारी बात नहीं कर रहा है रानू, वो तो वो सीरियल वाली सास की बात कर रहा है। तब ठीक है। वैसे सुहाना, आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? राधा को मेरा जल्दी पैकअप हो गया। अरे तो फिर इलेश कहाँ है? इलेश भैया को थोड़ा टाइम लग जाएगा, वो सेट से सीधा प्रोडक्शन हाउस के ऑफिस गए। आई थिंक मेरा ही कुछ काम है। ओह, मैं अभी आती हूँ। अरे दिशा दीदी, दिशा दीदी ब्रेक ओवर हो गया, कहाँ जा रहे हैं आप? क्या हो गया दिशा दीदी? अरे ओह ठीक है ना, जाने दे, कुछ काम होगा। कल मुफी नास बेटी, ये क्या किया तूने मेरी साड़ी? चलो डोली, ऊपर से जुबान लड़ाती है, तेरी तो। मार रिलैक्स। ये रियल नहीं है, मेरे हाथ को कुछ नहीं हुआ है, जला नहीं है। पर ये क्या दिखाते हैं सुहाना, ऐसे कोई करता है क्या? सर ऐसे कपड़े क्या चल के, मतलब तुम्हारा हाथ ही जला दिया। हाँ देखो तो, अब ऐसा भी होता है क्या? अरे ऐसा ही होता है माँ, पता है मेरी जो हेड ड्रेसर है ना, वो तो कह रही थी कि उसकी सास ने उसके साथ ऐसा ही किया। ओ, तुम ऐसे क्या देख रही हो? हेलो, तुम कुछ सीख मत लेना उससे। क्या क्या मतलब है आपका? नहीं मतलब, तुम वैसे भी चाहती नहीं ना, तुम्हें अच्छा नहीं लगता ना कि सुहाना टेलीविजन पे काम करे। हाँ भैया, क्या पता एक दिन स्त्री लेकर ही चढ़ जाए सुहाना पे। तो ऐसी लगती हूँ मैं आप लोगों को? अरे नहीं रानू, ये दोनों नाम बस ऐसे ही। नहीं दीदी, देखिए ना इन लोगों को कैसे हंस रहे हैं। मैं जानती हूँ आप लोगों को यही लग रहा है कि रानू भी ना एक बुरी सास बन गई है, और क्या। अरे नहीं रानू, अरे आजकल ये प्रेशर कुकर बने घूमती रहती है, कब सीटी मार दे पता नहीं। हाँ
क्यों इतना अपसेट हो गई? अरे जुहाना, तुम्हारी नरम दिल सास है ना, बिल्कुल देख नहीं पाई कि तुम्हारी उस सास ने तुम्हारा हाथ जलाया, उसे बुरा लग गया ना। सो स्वीट ना, माँ मुझसे कितना प्यार करती। मैं देख के आता हूँ कितना प्यार उमड़ रहा है उसका। जा संभालो। तुम्हारी असली सास तुम्हारी सीरियल सास जैसी बिल्कुल भी नहीं है। आई नो राधवा, पता है मैं अपने डायरेक्टर को बार बार यही कहती हूँ, लेकिन पता है वो मुझे क्या बोलता है? वो बोलता है कि इंडिया में 90% MILs ऐसी होती हैं। बाप रे, शुक्र है भगवान का, हमें तो बड़ी प्यार करने वाली सास मिली है। और वैसे सुहाना, ये राधा भी है ना, बड़ी अच्छी सास बनने की कोशिश कर रही है। पता है, संजना के लिए तोहफा खरीद कर लाई है। रली? ओहो, ये क्या कर रही हो तुम? देखा, गलत नहीं कहा था मैंने। क्या मतलब है आपका? क्या मतलब क्या? हाथ में गरम गरम प्रेस लेके खड़ी हो, हैं? इरादा क्या है तुम्हारा? मतलब आप सबने मुझे वो सीरियल वाली बुरी सास समझ लिया है ना? क्या कह रही हो रानो तुम? ये हो क्या गया है तुम्हें? और क्या, सब तो यही सोच रहे हैं ना कि मैं एक बुरी सास बन गई हूँ। लेकिन मैं आपसे कह देती हूँ एक बात आप सुन लीजिए, आप लोग ना सब जरूर पछताएंगे। ये जो सुहाना का काम है ना, वो ना भगवान ना करे ईशान की खुशियां छीन लेगा। अरे क्या कह रही हो रानू, ऐसा कुछ भी नहीं होगा भाई। अरे आजकल की जनरेशन एकदम बदल गई है, वैसे वाले पति ना धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं, जो चाहते थे कि उनकी पत्नियां उनकी सेवा करें, हैं, उनकी पीठ पे साबुन मले, हैं, जब उन्हें खाना परोसे, जब वो ऑफिस जा रहे हो तो उनको जूते और चप्पल ला कर दें। नहीं, आजकल के नौजवान चाहते हैं कि उनकी बीवियां जो हैं वो भी तरक्की करें। हमारे शान भी बिल्कुल वैसा ही है। अरे तुम्हें याद नहीं है जब सुहाना का पहला एपिसोड आने वाला था, कितना खुश था वो सबसे पहले जाके बैठा था वहां पे टीवी के सामने। यार सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं, और तुम ऐसे। अरे हटाओ साड़ी, चल जाएगी। ओह हे भगवान, शुक्र है भगवान का भाई साड़ी नहीं जली, वरना तुम्हारी सास आके तुम्हारा हाथ जला देती। दीपक ले, थोड़ी चाय पी ले। पता है आज रास्ते में बाजपाई साहब मिल गए थे, वो तो बस तेरी पढ़ाई खत्म होते ही फौरन तेरी और संजना की शादी कर देना चाहते हैं। अरे उठाना फोन। हेलो दीपक, आज डैड और राधा बहु मिले थे। हाँ तो क्या बात हुई उन दोनों के बीच? अरे मुझे क्या पता। बाप रे, इतना क्यों चिल्ला रहा है? अरे माँ इसे फालतू के सवाल पूछेगी तो मैं क्या कहूंगा। लो आप बात करो इसे और बताओ इसे कि आपकी इसके डैड के साथ क्या बात हुई। तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? बाप रे, दोनों के देवर एक जैसे ही हैं। राधा बुआ, I'm so sorry, मुझे लगा कि दीपक है। कोई बात नहीं, वैसे अच्छा ही है, इसी तरह झगड़ते रहना, हाँ प्यार बढ़ता रहेगा। हाँ पूछो, क्या पूछना चाह रही थी तुम? कुछ नहीं भाई, तुम्हारे डैडी तुम दोनों की शादी की बात कर रहे थे, बस तुम दोनों की शादी करवा देना चाहते हैं जल्द से जल्द। अच्छा, और क्या पूछा उन्होंने? और क्या पूछेंगे वो। माँ एक्सक्यूज मी, तुम बाद में फोन करके माँ से बात कर लेना। ओके गो टू हेल। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।